इसमें ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर टू है। क्वेश्चन नंबर टू, और ये मेरा ख्याल है कि इसका क्वेश्चन नंबर टू बेटा, ये कलर जरा इसका इनका ब्लैक कर लेते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन बेटा ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, जी ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपका जी इसको एक्स स्क्वेयर का। अच्छा, आपको इसके फैक्टर्स बनाते हुए बेटा थोड़ा सा मालूमात तो आपको है ही कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली 20 इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये 1 मल्टीप्लाई जी बाय 20 विच इज इक्वल टू 20। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 20 भी हो गया, 20 इंटू टू टेन भी इंटू हो गया, टेन और 4 इंटू 5 भी हो गया। फाइव थ्री आपको इसमें जो देखने वाली चीज है वो ये है कि ये लास्ट वैल्यू का साइन क्या है, ये वाला। माइनस तो आपको ना बेटा माइनस करके तो ये सेंट्रल वैल्यू 1 लानी है, जो इसका कोफिशिएंट है ना 1, ये लाना है। ये जी से किस पेर से आएगा, लास्ट वाले से लास्ट वाले से। तो ये डिसाइडेड हो गया कि 5, 4 और 5 ये दोनों बेटा नंबर्स हैं जिनको जी माइनस करके तो सेंट्रल वैल्यू मतलब जो है ना एक्स वेरिएबल उसके साथ वाली 1 वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पे ना आपने इसमें साइन रखने होते हैं, दरमियान वाली वैल्यू का साइन जी माइनस ये तो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाने हैं, मतलब 5 है ना तो इसके साथ ये तो लग गया, माइनस जी ठीक है जी। बड़ी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू का साइन खुद रखना है। आप मुझे बताएं कौन सा साइन रखें कि आंसर -1 आए, प्लस प्लस। बस ये हम लिखते हैं तो इसमें से हम इसके फैक्टर्स बन जाते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5x और -20 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर किया जी तो एक्स प्लस 4 आ गया, इसमें से -5 कॉमन किया तो एक्स प्लस 4 आ गया, और अगर दोनों में से एक्स प्लस 4 कॉमन कर लिया जाए तो इसमें से एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर 0 आ रहा है तो इट मींस कि या एक्स प्लस 4 इनमें से 0 थी या इसमें से एक्स जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की बेटा वैल्यू निकाल ली -4 और एक्स इज इक्वल टू 5, सो सॉल्यूशन सेट जी इज इक्वल टू -4 और 5, ये सॉल्यूशन सेट हो फाइव गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट। ये तो बेटा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब मुझे बताएं